नमस्ते। टेस्टी खाना बनाना में मैं बन्ना आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हैप्पी न्यू ईयर, आप सभी को नए साल का बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ क्योंकि चले गए थे वेकेशन पे, 2 हफ्ते के बाद आ रहे हैं। कहाँ गए थे उसका भी आपको वीडियो मिलेगा क्योंकि मेरा दूसरा चैनल ब्लॉगिंग का है। डेली ब्लॉगर तो नहीं हूँ, कभी कभी ऐसे डाल देती हूँ कहाँ गई थी, वो आपको दूसरे चैनल पर मिलेगा। उसका नाम है बंदनाज वर्ल्ड। अभी नहीं, 2-3 दिन में मिलना शुरू होगा। आज की रेसिपी क्या है, हम बनाएंगे एकदम बढ़िया रेस्टोरेंट स्टाइल कॉलीफ्लावर का, कॉलीफ्लावर 65। हम हमेशा जाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में, ऑर्डर करते हैं स्टार्टर के रूप में, हम खाते हैं उसको। आप उसको भजिया वगैरह के तौर पे भी खा सकते हो चाय वगैरह के साथ, लेकिन स्टार्टर के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। बहुत ही क्विक और बहुत इजी सा ये रेसिपी है। चलो हम शुरू करते हैं बनाना। कॉलीफ्लावर 65 बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का कॉलीफ्लावर ले लिया था, फूल गोभी इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में इसके फूल हमने निकाल लिया है, बढ़िया वॉश करके ले लिया है। अगर मैं कप से देखेंगे तो 3 कप ये है। पानी पहले से रख दिया था बॉयल होने के लिए, इसको इसमें डाल देंगे और 1 मिनट तक हमको बॉईल कर लेना है फूल गोभी। पानी इतना लेना, इनफ लेना, मैंने 6-7 कप ले लिया है पानी, क्योंकि इनफ पानी रहेगा तो ही अच्छे से बॉईल होगा। 1 मिनट से ज़्यादा मत करना, क्योंकि अगर हम 2-3-4 मिनट इसको बॉईल कर दोगे ना तो ये ओवर कुक हो जाएगा। मतलब जब इसको हम अगर में तेल में फ्राई करेंगे ना तो थोड़ा अलग टेक्स्चर आ जाता है इसमें से, जो थोड़ा सा क्रंचीनेस रहता है ना वो नहीं रहता है, ओवर कुक हो जाता है। 1 मिनट के लिए पकाएंगे तो वो क्रंचीनेस जो है बरकरार रहता है, वो ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। 1 मिनट हो गया है, इसको हम निकाल लेते हैं, फ्लेम को बंद कर देंगे। निकाल करके एक प्लेट में हम फैला देंगे ताकि ये ड्राई हो जाए, थोड़ा सूख जाए। अब हमें बैटर रेडी कर लेना है। यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने ले लिया है कॉर्नस्टार्च। अगर हम कॉर्नस्टार्च ना हो आप इस जगह पे अरारोट ले सकते हो। 3 टेबलस्पून चावल का आटा, राइस फ्लावर और 2 टेबलस्पून एकदम फुल मैदा ले लिया है। अब इसमें हमें डालना है नमक, स्वाद के अनुसार नमक डाल देना है। नमक डालने के बाद थोड़ा सा मसाला डाल देना है, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, लिटिल बिट गरम मसाला 1/4 टीस्पून एंड 1/3 टीस्पून जितना हमने धनिया पाउडर डाल दिया इसमें। ये डालने के बाद 1/3 टीस्पून मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, कद्दूकस कर लिया है, ये डाल देंगे। और पाउडर हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे थोड़ा सा टमाटो केचप का इस्तेमाल कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून। और ये चीज़ जो डाल रही हूँ मैं, ये ऑप्शनल है। कम से कम 1/2 टीस्पून जितना हम डाल देंगे सोया सॉस, डार्क सोया सॉस, फ्लेवर थोड़ा और इन्हेंस हो जाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है डालना, हो तो ज़रूर डाल देना। ये डालने के बाद नींबू का रस, नहीं अगर नींबू ना हो तो आप अमचूर का पाउडर, चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हो, अराउंड 1 टीस्पून फुल हम डाल देंगे। इन सभी को एक साथ हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक थिक सा बैटर रेडी करना है हमें। बैटर एकदम बढ़िया रेडी हो गया है, गुठली फ्री कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह का होना चाहिए ये। इसमें नमक और रेड चिली पाउडर कम था, मैंने और डाल लिया है, आप भी टेस्ट करके एडजस्ट कर लेना। और ये एकदम सूख गया है, निकाल करके रखा था कॉलीफ्लावर। अब हमें क्या करना है, जैसे भजिया वगैरह पोटैटो का नहीं बनाते हैं, डिप करके सीधा हमें तेल में डाल करके फ्राई करना है इस तरह से। तेल गरम हो गया है, अब इसमें एक एक पीस हम उठा करके डाल देंगे। इसको डालते ही हमें टच नहीं करना है। अब अच्छे से नीचे से छोड़ दिया है,
कढ़ाई अब धीरे से हम पलट लेंगे और उलट पलट के इसको एकदम बढ़िया क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। इसको फ्राई करने के लिए हमें मीडियम हाई फ्लेम का इस्तेमाल करना है, बहुत स्लो फ्लेम पे मत सेकना, नहीं तो तेल ये ज़्यादा पी लेगा और इसको ज़्यादा एकदम धीमी आंच पे पकाने की कोई ज़रूरत भी नहीं होती है। ये हमारा सेक करके रेडी हो गया है, बढ़िया एकदम क्रिस्पी हो गया है। इस तरह का कलर हमें लाना है इसमें। ये पूरा निकाल लेंगे हम। इसी तरह से हम बाकी का भी अपना जो है सब सेक करके, मतलब फ्राई करके रेडी कर लेते हैं। दूसरा बैच भी सेक करके रेडी हो गया है। ये रहा हमारे कॉलीफ्लावर 65 रेस्टोरेंट स्टाइल का फाइनल लुक। इतना इजी क्विक रेसिपी है ये। आप इसको स्टार्टर में ले सकते हैं या तो भजिया पकौड़ा जब खाते हैं ना, उस जगह पे भी कभी ऐसे मन चेंज करना हो, टेस्ट चेंज करना हो, उस जगह पे भी इसको बना करके एंजॉय कर सकते हैं। एकदम बढ़िया क्रिस्पी कुरकुरा बन करके रेडी हो गया है। आप लोगों ने देखा है कितना आसान है इसको बनाना। एक ही जगह पे आप इसमें ध्यान देना, ओवर कुक मत कर देना बॉयल करने के टाइम पे, बाकी सब कुछ एकदम बढ़िया ही बन जाएगा सच में। रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताना। मेरे इस वीडियो को, मेरी इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक। जो नए होंगे इस चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलती हूँ। थैंक यू, बाय।